और दशहरा उत्सव कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा खरी खोटी सुनाई जाने के बाद मंच छोड़ने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस का नहीं नर्मदा परिक्रमा करने वाले नर्मदा किनारे बसने वालों का और मां नर्मदा का अपमान किया। पीसी शर्मा ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर खंडवा जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। इतना ही नहीं, पीसी शर्मा इस दौरान जमकर बरसे। उन्होंने आगे कहा कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर किस तरह की बयानबाजियां देती हैं, ऐसा पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह की बयानबाजियां देती हैं। जरा पीसी शर्मा को सुनिए। शहरे के एक सार्वजनिक मंच जिसमें के माध्यम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, रावण और रावण प्रवृत्तियों का नाश किया जाता है, ऐसे मंच पर जहाँ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ जिस तरह से सांसद श्री प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपशब्द नर्मदा प्रक्रमा वर्तन को लिखे कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं सब पापी होते हैं, मां नर्मदा का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों का अपमान किया। ये जनता ने अगर ये पोस्टर लगा दिए थे कि ये गुमशुदा की तलाश, क्योंकि दो साल का कोरोना काल आया जब लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे और उनकी सांसद गायब हो, तो इसके अगर पोस्टर लगाए तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, वो जनता जिन्होंने इनको चुना है वो उन्होंने इस बात की मांग की थी। और मध्य प्रदेश का व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा वासी मां नर्मदा का अपमान कभी सहन नहीं करेगा, इसकी जितनी निंदा की जाए और इनकी असौगनी खत की उतनी कम है। और हम तो ये मांग करेंगे कि अभी वो कबड्डी भी खेल रही हैं, गरबा भी कर रही हैं और 20 फुट ऊंचे मंच पर भी जा रही हैं, तो इसका मतलब स्वास्थ्य ठीक है। माननीय कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए, जो इनको जमानत मिली हुई है हेल्थ ग्राउंड पर वो तुरंत खारिज की जाना चाहिए और इनको अपने